देश की आज़ादी को 72 साल बीत चुके हैं, मगर कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज तक सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला की, जहां घुमारवीं उपमंडल के तहत दावला गांव का वार्ड नंबर 4 आज भी सड़क सुविधा से महरूम है। 25 से 30 परिवारों से संबंधित 100 लोगों की जनसंख्या वाला ये गांव शांत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, लेकिन यहां के लोगों का जीवन जितना सरल नजर आता है उतना है नहीं। वहीं इस बात को सिद्ध करता है दावला गांव से आया एक वीडियो, जिसमें एक बीमार बच्चे को ग्रामीणों द्वारा मंजे पर लेटाकर बमुश्किल खड्ड पार कर अस्पताल ले जाया गया था। सड़क सुविधा न होने के चलते एम्बुलेंस सेवा गांव तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे ग्रामीणों को इमरजेंसी के दौरान मरीज को ऐसे ही मंजे पर लेटाकर कंधे पर उठाकर कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद खड्ड पार करवानी पड़ती है और फिर कहीं जाकर एम्बुलेंस व प्राइवेट वाहन तक मरीज को पहुंचाना पड़ता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव तक सड़क सुविधा न होने के चलते उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ये समस्या बड़ी हो जाती है जब बरसात के दिनों में सीर खड्ड पानी से भर जाती है और ऐसे में मरीज को खड्ड पार करवाना और भी मुश्किल हो जाता है। वहीं स्थानीय ग्रामीण हेमराज ने बताया कि गांव तक सड़क न होने के चलते उनकी कैंसर पीड़ित बुजुर्ग माता को भी ऐसे ही मंजे पर लेटाकर अस्पताल ले जाया गया था, मगर उन्होंने अस्पताल पहुंचने तक दम तोड़ दिया। अगर सड़क सुविधा होती तो समय पर उनका इलाज हो सकता था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से जल्द ही सड़क सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। यहाँ पर ज़्यादातर सड़क की सुविधा से वंचित हैं लोग, और 26-27 परिवार हैं, और अगर कोई बीमार हो जाए तो ले जाने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और एक मंजे चारपाई के ऊपर ले जाने के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और मदर थी, कैंसर पेशेंट थी, वो भी बीमार थी और टाइम के हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से वो भी एक्सपायर हो गई। और इन सभी बातों का जो भी मतलब सामना करता था, क्योंकि हमारे गांव में बहुत दिक्कत है सड़क की। कोई बीमार होता है तो हमें नदी क्रॉस करनी पड़ती है, तो हम नहीं ले जा सकते। तो दीदी एक बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई, कैंसर के मरीज थे, तो हम ले जा नहीं सके टाइम से इसी वजह से। वहीं दामला गांव के ग्रामीणों को आ रही इस समस्या के बारे में डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल का कहना है कि दावला गांव तक लोगों के आने जाने के लिए पक्के रास्ते की तो व्यवस्था की गई है, मगर एम्बुलेंस रोड न होने के चलते ग्रामीणों को इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए जल्द ही पंचायत स्तर पर बातचीत गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में स्थानीय ग्रामीणों को इस तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। कहा गया है कि वार्ड नंबर 4 दाबला, वहां पर ये समस्या है, और साथ में यह भी बताया गया कि अभी वर्तमान में एक पक्का रास्ता, वहां करीब 100 व्यक्ति जो है एक बस्ती में रहते हैं, कि पक्का रास्ता तो वहां तक जाता है, और पंचायत भी चाह रही है कि वहां पर एक एम्बुलेंस रोड जो है कि एम्बुलेंस के चलाने योग्य एक सड़क बनाई जाए, परंतु वो बता रहे हैं कि समस्या ये है कि वहाँ पर जो भूमि है वो निजी भूमि है और उसको जो है लोग जो है लैंड डोनेट नहीं कर रहे हैं। परंतु जैसे मेरे संज्ञान में आज आया है और वहाँ मैंने पता भी किया है, तो इस विषय में अब हम अपने जो है प्रयास और ज़्यादा करेंगे, ताकि पंचायत के माध्यम से या लोगों से संवाद करके यदि वो भूमि जो है मुहैया करवा दें तो हम अवश्य ही वहाँ पर एक एम्बुलेंस सड़क का जो है निर्माण करने का जो है प्रयत्न करें।